হয়েছে মর গে भगवान ये चप्पल को भी आज ही टूटना था। कोई बात नहीं जेठा जी, अब कल टाइम पे आ जाइए। ओके बाय। पोपट जेठा भाई आइए जॉगिंग के लिए। हट, तुम करो। मैं भी कहां ये फटी हुई चप्पल के साथ चल रहा हूँ। ये चप्पल तो मेरी नहीं है, ये चप्पल मेरी चप्पल गई कहां? ये तो बापू जी की चप्पल है। मेरी चप्पल गई कहां? अरे मैं कहती हूँ हमेशा हर चीज ठिकाने पर रखो। ध्यान से ढूंढना बहू। हाँ बापूजी यहाँ पर। बापू अरे संभल के, संभल के। ओहो यहाँ तो तेरे जूते हैं। अरे मेरी चप्पल गई कहां? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी कि घर में से चप्पल कैसे गायब हो गई। अरे बहू जरा ध्यान से ढूंढना। हाँ हाँ बापूजी। अरे बापूजी। हाँ मिल गई। हाँ मिल गई, टप्पू की कॉल रिंग पेन मिल गई। ओहो अरे बहू पैन छोड़ना, अभी मेरी चप्पल ढूंढ। यहाँ पर ही होगी। अरे बाप रे, बापूजी तो चप्पल ही ढूंढ रहे। मर गया, अभी क्या करूं? वहाँ देखा बापूजी? नहीं मिली। ये भगवान, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अरे बापूजी की चप्पल नहीं मिल रही है। अच्छा तो ये किसकी है? यही तो है। अरे मैंने अभी वहाँ पर देखा, तब ये नहीं थी। अरे तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम्हारे काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से ढूंढा होगा। अरे नीचे देखना चाहिए ना, वही थी चप्पल। ए भाई मैंने देखा तब भी नहीं थी। तो अभी कहाँ से आ गई बापूजी? वही तो पूछ रहे हैं। तू पहन कर गया था? नहीं, मैं क्यों आपकी चप्पल पहन के जाऊंगा बापूजी। अच्छा एक मिनट रुक, गार्डन में गया था ना? हाँ। बिना चप्पल के गया था? नहीं नहीं चप्पल पहन के गया था। किसकी? मेरी। तेरी चप्पल कहाँ है? तेरी चप्पल तेरे पैर में तो नहीं है? हाँ मेरी चप्पल। बापूजी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप मेरी सारी चीजों के बारे में तुमको पता होता है ना? मेरे किसी काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है। सॉरी बापूजी, आपकी चप्पल मैं ही पहन के गया था। अरे तो बोलना भाई, ये कब से इतना बताने में तू झिझक क्यों रहा था? अभी पता चलेगा। ये क्या, ये चप्पल तो टूटी हुई है। इसीलिए बताने में झिझक रहा था बापूजी। जेठिया जा, अभी के अभी इसे सिलवा कर ला जा। नहीं वो ख्याल मेरे दिमाग में आया था, फिर तुरंत ये भी ख्याल है कि इतनी सुबह सुबह वो चप्पल वाला आया नहीं होगा ना बापूजी। कोई बात नहीं, तू ये चप्पल लेकर जा वहाँ बैठ, वो जब भी आए दोपहर को शाम को रात को तब ये चप्पल सिलवा कर ला, तभी घर में आना वरना मत आना। छोड़िए ना बापूजी, मैं आपको इससे भी अच्छी नई चप्पल ला के दूंगा बस। नहीं मुझे यही चप्पल पहननी है। चल जा, चल चल। आपके 2 किलो टमाटर, 2 किलो गाजर, 2 किलो गोभी और 2 किलो ककड़ी। अरे दया भाभी इतनी सारी सब्जी, क्या घर में पार्टी वगैरह है क्या? आ? अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है। क्या है, टप्पू के पापा अब जॉगिंग करने लगे हैं ना, तो अब सलाद ज्यादा खाएंगे। हमें ही तो अपने अपने पतियों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। एकदम ठीक, बराबर है। बराबर। एक मिनट, अजीब बात है ये, आप सब लोग अपने अपने पतियों के सेहत का इतना ख्याल करते हो, कभी खुद के फिटनेस के बारे में सोचा है? नहीं। अरे आप लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ तो ध्यान रखो अपने फिटनेस का। आपका क्या है बबीता जी, आप तो हस्बैंड के साथ अकेले रहती हो, आप कर सकती हो एक्सरसाइज? एक्सरसाइज हमको तो घर के काम से फुर्सत मिले तब ना। तो और नहीं तो क्या,
खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई, उनको स्कूल भेजना, घर की सजावट, इतने काम में दिन कम पड़ जाता है। अरे टप्पू के पापा और टप्पू को संभालने में मेरी तो कसरत हो जाती है। आप मानेंगे पिछले 12 सालों से मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा। अच्छा, हाउ लकी। और बबीता जी, मैं तो कहती हूँ घर का काम ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट, तो चलो एक्सरसाइज करें। मतलब घर का काम करें। अरे ये कहाँ लेके जा रही है? मुझे नहीं चाहिए। दया बहन भी कुछ बहुत जोर की भूख लगी है। क्या है आज खाने में? सलाद। सलाद, सलाद। हाँ बोलो दया। खाना खाया? नहीं, बस खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सुनिए आते वक्त आपके जॉगिंग के नए कपड़े खरीद कर आना, नहीं तो फिर सुबह मुझे परेशान करोगे। हाँ ठीक है। और सुनिए, एक साइज बड़ी लेना, आप जो भी कपड़े खरीदते हैं ना वो जल्दी टाइट हो जाते हैं। ए डोबी, ये जॉगिंग में वजन कम करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़े दिन बाद ये कपड़े टाइट नहीं, लूज होंगे। तो फिर एक साइज छोटी लेना। हाँ ठीक है। नंटू काका जी, आज क्या है आपके टिफिन में? सेठ जी, जहाँ से मेरा टिफिन आता है ना, उस पद्मावती भोजनालय को 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन आज तो आए हैं। पूरन पोली, दही बड़ा और मेरा खास सहिता मूंग की दाल का हलवा भी आया है। बस बस, छोटू काका, इस उम्र में आप यह सब खाते हैं? हाँ क्यों, आपको पता भी है यह सब आपकी तबीयत के लिए कितना हानिकारक है। नहीं छोटू काका, आज मैं आपको यह कुछ खाने नहीं दूंगा। आज आप मेरा टिफिन खाइए, ये लीजिए, और आपका टिफिन मैं खाऊंगा। अरे लेकिन सेठ जी, खाते वक्त बोलते नहीं। अरे जोयदास तोड़ा। ओह यार सॉरी, मुझे आजकल के बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। ओए बच्चे भी तेरी वजह से चिंता में हैं। वो तो ट्यूशन में इतना होमवर्क क्यों देता है? वो बच्चे पूरा नहीं कर पाते तो उनका बचा हुआ होमवर्क हमको पूरा करना पड़ता है, वो भी आधी रात को। अरे तू समझा नहीं सोड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे 2400 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। अरे हमारे जमाने में हम मैदानी खेल खेला करते थे, जो आजकल के बच्चे खेलते नहीं है, इसलिए उनकी शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। सही बात है, मैं भी खूब कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, पता नहीं क्या क्या खेलता था। उससे भूख भी बहुत लगती थी और तंदुरुस्ती भी बनी रहती थी। हाँ दिखता है। अरे दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर पर गेम खेलने से बच्चों में हिंसा बहुत बढ़ जाती। हाँ अमेरिका में वही तो हो रहा है, पता नहीं वहाँ के शिक्षक क्या कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर मेरे जैसे शिक्षक की बहुत जरूरत है। हाँ तो निकलो, मेरा मतलब है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। आइए आइए जेठा भाई, सोडा पियेंगे क्या? हाँ अगर ये भिड़े पैसा दे रहा है तो जरूर पियूंगा। जेठालाल जब देखो तो पैसा पैसा, एक नंबर का व्यापारी आदमी है। हाँ दे दो बाबा पैसे। ए भाई दे दे इसे। ओहो क्या बात है, आज भिड़े तैयार हो गया पैसा देने के लिए है? लगता है 2-3 विद्यार्थियों की फीस एक साथ में मिल गई है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, ये बताइए शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे हैं? अरे हाँ डॉक्टर आदि, आज क्या है किसी ने मुझे ताना मारा था कि अगर जॉगिंग करना है तो उसके लिए जॉगिंग के कपड़े, जॉगिंग के जूते पहन के ही करना चाहिए, तो सब मैं खरीद के लेके आया हूँ, तो कल सुबह यही पहन के करूँगा मैं। चलो अभी मैं घर जाके सो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा। है सही बात है, तुम लोग भी आना है कल जॉगिंग में, क्योंकि जॉगिंग शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहा है? सब देख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है तो जाओ। अरे नहीं नहीं बाद में बाद। ये क्या आदमी है, एक दिन हुआ नहीं इसको जॉगिंग करते हुए और हम लोगों को एडवाइस दे रहा है। अय्यर साहब वो सुना नहीं आपने, नया 9 दिन, लेकिन इस जेठालाल के बारे में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके 2 दिन भी नहीं होंगे।
सही बात है। अरे छोड़ो अब्दुल, मुझे 3-4 सोडा पिला। ये 5:30। वाह दया, आज हल्का फुल्का खाना खा के मजा आ गया हो। हल्का तो यहाँ खाया पर फुल्का कहाँ से खा के आए? दया, अभी तुम्हारे साथ मुझे कोई टाइम पास नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना है तो अभी मुझे सोने दे। हा? अच्छा सुनिए, हाँ। कल हम माणिक चौक थी मणिनगर फिल्म देखने जाने वाले हैं। टिकट भी आ गई है। कल जाने वाले ना, तो आज अभी क्या है? अरे वाह, आप कल जोगिंग के लिए जाने वाले हैं, उसकी बात आज अभी इसी वक्त कर रहे हैं, वो चलता है। तो मैं भी कल फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं, वो बात आज अभी इसी वक्त कर रही हूँ, वो नहीं चलता? ये कहाँ का न्याय है? अरे ओ न्याय की देवी, देखो अभी मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, सो जा। तो यहाँ भी किसके पास टाइम है? अच्छा सुनिए, सुबह जो भी कहना है सुबह बोलना। अरे गुड नाइट कहना है, गुड नाइट सुबह थोड़ी बोल सकते हैं? फिर आप ही कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। उधर कौन है, किसके साथ बात करिए बार बार तू ऐसे ऐसे करके? अच्छा बाबा गुड नाइट, बस गुड नाइट। अच्छा सुनिए, सुबह सुबह। अरे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो मैं ही सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। अब तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। यस। अरे सुनिए, टोक दिया ना। दया तू क्यों हमेशा मुझे पीछे से टोकती है? मैंने तो आपको वो ठेंगा कहने के लिए रोका। ठेंगा? हाँ, वो कोई अच्छे नए काम के लिए जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना ठेंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ वो ठेंगा। अच्छा ठीक। अरे क्या है? देखिए ज्यादा मत दौड़ना। क्यों? क्यों क्या, आप ज्यादा दौड़ते हैं ना तो आपके पैरों पर सूजन आ जाती है। याद है जब हम महाबलेश्वर गए थे तब आपके पीछे कुत्ते पड़े थे, तब आप इतना दौड़े थे कि एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे। आपके दोनों पैरों में सूजन आ गई थी, फिर आपको गधे पर बिठाकर होटल पर वापस लाना पड़ा था। अरे वो गधा नहीं था बेवकूफ, वो खच्चर था। वो जो भी हो पर आप उस पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अभी तक वो फोटो संभल कर रखी है, दिखाओ। अरे इतनी सुबह सुबह क्या फोटो दिखा, बाद में, अभी मुझे देर हो रही है, बाद में चलो। आप मत जाना, मत जाना। मेरी माँ कहती है कि छींक से अपशगुन होता है, अब दूसरी छींक आए तभी जाना वरना दुर्घटना हो सकती है। दया मेरी जिंदगी में तुम आई हो, उससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है?
चलो अभी जल्दी खाओ दूसरी छींक। अरे छींक कोई भेलपुरी थोड़ी है कि मैं फटाफट खा लूं। आप बैठिए ना, अभी आएगी। अरे क्या मुसीबत है दया, बैठिए ना। अरे आराम से बैठिए, आएगी। चल आने वाली थी, आप बोले तो रुक गई। दया, ये सब है ना, सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जाता हूँ। ठीक है, जाने तो जाइए, फिर कुछ हो जाएगा ना तो मुझे मत कहना। अरे तो जब पहली छींक आई तभी रोक के रखना चाहिए ना, मेरे जाने के बाद खाती तो क्या कोई पार्ट टूट पड़ता। 6:35 यही हो गए। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, शायद रास्ते में छींक आ जाए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है दया, मैं रुकता हूँ ना, आराम से अपना टाइम लेके जब ही छींक आए तभी खाना। रुकता हूँ मैं। आ गई दूसरी छींक, चलो मैं चलता हूँ। अरे कब आ गई पता ही नहीं चला। कहाँ हुआ ससुरा, कहाँ नहीं चल रहा? वो सामने तक ही जाना है। अरे भैया आप उतर जाइए, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, आपको नहीं पता? नहीं। अरे वजन देखिए अपना, नहीं चढ़ेगी गाड़ी ऊपर। अच्छा अच्छा, इतना तो मैं चल ही लूंगा। कितना हुआ आपका? 97 रुपया। 97? ठीक है, ये लीजिए 100 रुपये। ठीक है भैया, रख लीजिए छुट्टा, और गाड़ी का पिकअप पिकअप ठीक से रखो। निकल निकल गया। ओहो डॉक्टर साहब, आप भी जॉगिंग? अरे नहीं नहीं, वैसे कोमल को मैं यही बोल के निकला था। एक अंदर की बात बताऊं, मैं इडली खाने गया था माटुंगा। अच्छा, अच्छा। अरे सुनिए तो, क्या मस्त इडली बनाता है, और चटनी, अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। आपको आने का है? मैं दोबारा चलने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, कल कल जाएंगे। पक्का? पक्का पक्का। अच्छा अच्छा, चलो अपना कल का भी फिक्स हो गया, वेरी गुड। टैक्सी अरे भैया, हम रिवर्स मार रहा था, गाड़ी यहीं बंद पड़ गया। क्या है कि 2-3 दिन से स्टार्टर जरा प्रॉब्लम दे रहा है ना। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, चलो। अरे भैया स्टार्ट होगा तो जाएंगे ना भैया, हमको थोड़ी ना शौक है यहाँ रहने का। अरे भाई तो ये स्टार्टर का 2-3 दिन से प्रॉब्लम, तो रिपेयर करना चाहिए ना। अरे हम गए थे भैया, इधर ही बैठे हैं। नहीं नहीं, हम गए थे भैया, मगर वो बोला कि नहीं। चलो रुको। अरे सुनो तो भाई, चलो जल्दी। अरे वो कहा है कि तुम उल्टा मार रहे हो ना धक्का। अरे एक मिनट, चलो चलो मारता हूँ धक्का। अरे ससुरा बंद पड़ जाता है। हाँ तुम्हारा ससुर को बोले हो तो चालू करने के लिए। ससुरा ससुरा भाई, क्या मुसीबत है। सुन आप भी हंसने में जानते हो। अरे कैसे रुकेगी हंसी। जेठालाल को एक शेर जो है वो नजर करना चाहता हूँ। किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि गमों का बोझ होता तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी है उठाए कैसे। ऐसी जिंदगी है जेठालाल की, हाथ से पे हाथ से। पहले चप्पल ने अटकाया, आज टैक्सी ने अटका दिया। परेशान जेठालाल जो बबीता के साथ करना चाहता है जॉगिंग, लेकिन किस्मत है कि उसे उससे मिलने ही नहीं दे रही। अगर अंदर पहुंच भी गया तो क्या ये जॉगिंग हो पाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर पता है कि होंगे धमाके, और धमाके जब होंगे तो हमारे पास उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम एक ही होगा, ठाके, मुस्कुराहट, आनंद, मस्ती। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।